इंजन ड्राइंग ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पिंटू कुमार। देखिए आज हमारा जो टॉपिक है वो फ्रेंच कर्व है, और फ्रेंच कर्व का यूज, उसका मटेरियल और कितने सेट में मिलता है, इन सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं फ्रेंच कर्व 12 फ्रेंच कर्व सेट में मिलता है, या 6 में मिलता है, या 10 में मिलता है, और 16 तक मिलता है रेंज में। यहाँ पर देखिए फ्रेंच कर्व सेट है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं उसके मटेरियल की। पहले फ्रेंच कर्व लकड़ी के बनाए जाते थे, वो भारी होते थे। अब फ्रेंच कर्व सेलोलाइट के बनाए जाते हैं, देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं, और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। और हम अब इसकी यूज की बात कर रहे हैं। देखिए हमारा जो यूज किया जाता है, अनियमित बिंदुओं के बीच स्मूथ रेखा, देखिए अनियमित बिंदु, यहाँ पर ये बिंदु है अनियमित, यहाँ पर ये बिंदु हैं, स्मूथ रेखा खींचने के लिए फ्रेंच कर्व का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखिए ये बिंदुओं को मिलाने के लिए, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से इन बिंदुओं को, अनियमित बिंदु जो कि यहाँ पर हम इस तरह मिला सकते हैं। देखिए इन बिंदुओं को यहाँ से हम इस फ्रेंच कर्व की मदद से मिला सकते हैं। उसके बाद हम पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स बनाने के लिए भी हम फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, देखिए हमें कोई इलिप्स बनाना है, तो यहाँ से आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ से इस तरह हम फिर इलिप्स बन सकता है हमारा। देखिए ये कर्व बनता जा रहा है इलिप्स के लिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से इलिप्स इस तरह हम बना सकते हैं। आई होप आप सभी की समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।